brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जगह जगह हो रहे विरोध के बावजूद पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पूरे जोश के साथ अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में वो कुरुक्षेत्र लोकसभा में अपने उम्मीदवार पालाराम सैनी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां दुष्यंत चौटाला ने भाजपा और इनेलो दोनों की तगड़ी खिंचाई कर दी। दुष्यंत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अकेले उनकी पार्टी ऐसी है जिसने सीट पर पिछड़े वर्ग से आने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया है। इसके अलावा मंच से बोलते हुए उन्होंने इनेलो को लेकर दावा कर दिया कि उनके कुरुक्षेत्र में 70,000 से ज्यादा वोट नहीं आएंगे। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो दुष्यंत ने कहा कि अब तो 15 दिन हो गए 400 पार का नारा कहीं सुनाई नहीं देता। हालांकि मजेदार बात तब हुई जब पत्रकारों ने दुष्यंत से पूछ लिया कि उनके चाचा तो कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र में अपने विरोधियों का इलाज बांध देंगे। इसके जवाब में दुष्यंत ने भी ऐसी बात कही जिसे सुनकर शायद अभय सिंह चौटाला का बीपी थोड़ा बढ़ जाएगा। अंत में अब आप सुनिए कि कैथल में अपनी पार्टी का प्रचार करने गए दुष्यंत चौटाला ने विरोधियों को किस अंदाज में जवाब दिया है। और साथियों, तीसरा उम्मीदवार आपका पत्रकार साथी देख रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें लो भूल के नहीं भूला, और रणदीप ने कह दिया चश्मा, वो खौफ बैठा रखे हमारे वालों के मन में। और खौफ किस चीज का, ये दिलबाग और घर पे सो रहे थे, ठसका पहुंच गए रात को 9:30 बजे। दिलबाग नींदो नींदो में दरवाजा खोलने आया, पटका पहनाया, फोटो खींच दी। ये हालत बना रखी है कि जो कोई साथ है नहीं, वोट नहीं डालेगा, पार्टी नहीं छोड़ना चाहता, उसके भी गले में पटका गिराते। और धूप सिंह जी, ये वादा तो इनको कर दो, इसका अपने गांव में माजरा का इलाज बांध के छोड़ो, कर दो खड़े हो गए, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ आके बोल दो इलाज बांधो। ये जिम्मेवारी ले लोगे, ये जो पंच मूर्तियां घूम रही है इनकी, इनका भी इलाज बांधना जरूरी है। साथियों, इन्हें तो एक मन बना रखा है, कैसे जेजेपी का एक आदमी तोड़ ले। सुबह डिब्बा लेके चलते रोटियों का भरा कि रात तक एक के पटका पे ना के आ जाए। अरे वोट मांग ले गांव जाके, लोग वोट तो दे नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं फोटो डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और फोटो भी कैसी, भाई जाके दबका के डरा के, भाई ये कर देंगे, तेरे रिश्तेदारी भेज देंगे और कर देंगे। ये डर से चुनाव नहीं जीते जाते साथियों। ये तो मैं आज आपकी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर, महाभारत की पावन धरा पर इन पत्रकार साथियों कह के जाता हूँ। भाई पहले तो मैं लाख कहता था, आज जितने रास्ते आया हूँ मैं ये गारंटी दे सकता हूँ 70,000 भी नहीं आते। जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, 15 दिन हो गए, मैंने तो वो टीवी पर सुना नहीं। और इन 15 दिनों में एक चीज़ साफ है कि 500 शायद 200 पे पहुंच गया, और आगे क्या होगा अगले 3 फेज ऑफ पोलिंग के अंदर ये तो जनता बताएगी। मगर ये चीज़ साफ है कि भगदड़ जिस तरीके से मची हुई है, मुझे लगता है कि लोकसभा और लोकसभा के बाद और बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी में होगा। तो दादा गौतम आए थे, भाजपा की भाषा बोल रहे थे, मेरे आगे बोले, फिर पूछूंगा। दुष्यंत जी, बीजेपी की वजह से जेजेपी का विरोध हो रहा है, क्या अबकी बार भी जेजेपी बीजेपी के साथ लड़ेगी? मैं तो ये बोल सकता हूँ, हमने प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए अलायंस किया, 4.5 साल स्थिर दी, हमें तो 2 महीने हुए हैं। आज 2 महीने में 3 विधायक पहले ही लिखित में गवर्नर को भेज चुके, और आज अल्पमत की सरकार है। हम तो गवर्नर से मांग करते हैं महामहिम फ्लोर टेस्ट जल्द करवाएं और इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव प्रदेश में कराए। अभय सिंह कह रहे हैं मैं तीनों का इलाज बांधने आया हूं। अरे उनने पूरी जिंदगी इलाज ही बांधा है, और बांधते बांधते वो इनेलो का इस चुनाव में इलाज बांध देंगे कि चश्मा भी छिन जाएगा। संपर्क में तो मैं उनके हूँ, फोन पे तो मेरी भी बात हो जाती है, वो तो फ्लोर टेस्ट की बात होगी, संपर्क में उनके साथ कितने खड़े मिलेंगे और कौन पार्टी का विप फॉलो करेगा। भाजपा ने चेहरा बदला है सर, पार्टी का अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। लोकसभा के अंदर हमारा सिर्फ एक ही घोषणा है कि हरियाणा प्रदेश की आवाज को पार्लियामेंट में चुना। भाजपा ने चेहरा बदला है, नायब सैनी को सीएम बनाया है, कितना फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे हरियाणा का? जो एक इंग्लिश में कहावत है ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, आज मुझे लगता है जनता समझ चुकी है
कि नायब सैनी जी सिर्फ नई बॉटल है, उसके अंदर तो सारा कार्य जो है वो मनोहर लाल जी कर रहे हैं और धीरे धीरे जनता समझ भी रही है। और आपने देखा होगा, मैं तो करनाल की बता सकता हूं आपको कि पिछले 5 दिनों में पहले मनोहर लाल जी और नायब सैनी इकट्ठे घुमा करते थे, अब तो दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। मुझे लगता है सैनी जी को भी पता चल गया कि कहीं मनोहर लाल जी को साथ लेके चलेंगे तो करनाल शहर